Hello friend, today we will see hydrostatic forces on surfaces. Before that, we should know what is total pressure and center of pressure. So what is total pressure? Total pressure is the force exerted by static fluid on a surface. Surface may be plane or curve. अगर हम एक सपोज सरफेस है, वो पानी के अंदर रिमेन से डूबा हुआ है, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस वाटर ऑन दिस सरफेस इज नथिंग बट टोटल प्रेशर. क्लियर? सेंटर ऑफ प्रेशर द पॉइंट एट विच टोटल प्रेशर इज सपोज टू एक्ट. जिस पॉइंट पर सब टोटल प्रेशर एक्ट होता है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं. ये कुछ कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा है, जैसे कि सेंटर आपको मालूम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है. सपोज़ कोई चीज़ है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ दिस बॉडी सपोज टू बी एक्ट. जितना भी मास होगा इस बॉडी का वो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगा, वही वही से वो एक्ट होगा. क्लियर? उसी प्रकार ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, जो जो टोटल प्रेशर एक्ट हो रहा है उस सरफेस पे वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब किसी एक पॉइंट पे एक्ट होता है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर. ओके, सो व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रेशर? द पॉइंट एट विच टोटल प्रेशर इज एक्ट. ओके, सो वी हैव सीन अंटिल नाउ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर. तो टोटल प्रेशर क्या है? अगर हम किसी सरफेस को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तो वो लिक्विड उस सरफेस के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा उस फोर्स को कहते हैं टोटल प्रेशर, और वो टोटल प्रेशर जिस पॉइंट पे एक्ट होगा उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर. तो सेंटर ऑफ प्रेशर थोड़ा थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा है. क्लियर? अब वो जो प्लेन या कर्व सरफेस जो लिक्विड में या स्टैटिक फ्लूइड में हम इमर्स करने वाले, उसकी चार केसेस पड़ेगी, क्योंकि अब वो जो प्रेशर है वो वर्टिकल भी रह सकता है. ओके, वो हॉरिजॉन्टल भी रह सकता है, वो इंक्लाइन भी रह सकता है, या फिर वो कर्व भी रह सकता है. ये चारों पॉसिबिलिटी है कि जो सरफेस है वो वर्टिकली इमर्स होगा, या हॉरिजॉन्टली इमर्स होगा, या इंक्लाइन इमर्स होगा, या फिर वो कर्व रहेगा. तो इन चारों केसेस के लिए टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर हमें निकालना है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और एक्सप्रेशन भी आते हैं. तो पहली केस हम देखेंगे कि वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड. ओके, तो इसमें हमने क्या कंसीडर किया है कि जो हमारा सरफेस है वो वर्टिकल है. ओके, इसको हम साइड में देखेंगे तो ऐसा है. ठीक है, साइड में वगैरह बाद में देखेंगे. तो हम क्या करेंगे, एक रैंडम प्लेन सरफेस हम कंसीडर करेंगे, रैंडम शेप का, जो यहाँ पर दिखा ऐसा ऐसा. ओके, उसको अगर आप साइड व्यू से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा. ये उसका फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है. ओके, और जो जो लिक्विड है वो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट होगा. ये इसको आप देख रहे हो तो आपको आपकी आई साइट जिस डायरेक्शन में उसको स्ट्राइक कर रही है उस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो हमने आर्बिटरी शेप का पर प्लेन सरफेस लिया है, जो साइड व्यू में ऐसे दिखेगा, जिसको हमने वाटर में इमर्स कर या लिक्विड में इमर्स कर दिया है, तो उस सरफेस के ऊपर साइड व्यू में देखो इस डायरेक्शन में टोटल प्रेशर एक्ट होगा, और फ्रंट व्यू में ऐसा यहाँ से आपकी तरफ. ओके, तो ये जो आर्बिट्री शेप का हमने एक रैंडम शेप का जो सरफेस हमने कंसीडर किया है, उसमें हम एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, जो इस जिसको यहाँ पर ऐसा किया है वो स्ट्रिप हमने अज्यूम की, उस स्ट्रिप का जो विड्थ है वो बी कंसीडर किया हमने, और उसकी जो थिकनेस है वो डी एच है, उसकी जो हाइट या थिकनेस है वो डी एच है. समझ में आ गया? हमने एक स्ट्रिप कंसीडर की, ये वाली, जिसकी विड्थ बी है और जिसका थिकनेस डी एच है, और ये जो स्ट्रिप है वो सरफेस, ये जो सरफेस है यहाँ से एच डिस्टेंस अपार्ट है. क्लियर? समझ में आ गया? और ये जो बॉडी है, ये जो सरफेस लिया है हमने, ये वाला, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पर है सपोज,
और वो सरफेस से h बार डिस्टेंस पर है, क्लियर। और सपोज इस प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर ये, जिसे हम p से डिनोट करेंगे, और वो फ्री सरफेस से एच स्टार डिस्टेंस अपार्ट है, जहाँ पर लिखा है। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ये स्ट्रिप हमने कंसीडर की जिसका थिकनेस डी एच है, विड्थ बी है, और वो एच डिस्टेंस अपार्ट है फ्री सरफेस से, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस की वो एच बार डिस्टेंस अपार्ट है, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर हमने कंसीडर किया है पी, वो एच स्टार डिस्टेंस अपार्ट है फ्रॉम फ्री सरफेस। ये हमने अज्यूम किया, क्लियर। ओके, लेट ए बी द टोटल एरिया ऑफ शेप, एच बार डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस, जो मैंने अभी बताया, पी सेंटर ऑफ प्रेशर, एच स्टार डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस, ये स्टार, क्लियर। अब हम आगे देखेंगे। अब हमें मालूम है कि जो वो स्ट्रिप है वो फ्री सरफेस से एच डिस्टेंस अपार्ट है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, कल ही हमने देखा था इसमें हाइड्रोस्टेटिक फोर्स में पी क्या रहता है, रो जी जेड या रो जी एच। ओके, जितना एच बढ़ेगा उतना पी बढ़ेगा। तो अगर कोई चीज़ एच सरफेस डिस्टेंस पर है फ्री सरफेस पे, तो उसके ऊपर उस लिक्विड का प्रेशर कितना रहेगा, रो जी एच, क्लियर। ओके, अब ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन दैट स्ट्रिप जो हमने कंसिडर की है, उस स्ट्रिप का एरिया है बी इंटू डी एच, देखो बी इंटू डी एच। अब इसको अगर मैं साइड व्यू में निकालूंगा ना, इसको ये हो गई वो स्ट्रिप, ये सॉरी सरफेस, और ये हो गया अपनी स्ट्रिप का हाइट डी एच, और वो जो जो प्रेशर एक्ट होने वाला है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। ओके, मतलब इस स्ट्रिप के ऊपर मैंने जो डॉट निकाला है उस डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट होने वाला है, तो उसका एरिया कितना है, ये हो गया बी और ये हो गया डी एच। ओके, एरिया कितना हुआ है, बी इंटू डी एच, तो उस स्ट्रिप का एरिया हुआ बी इंटू डी एच। उस अब हमें निकालना है उस स्ट्रिप के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। हमें मालूम है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर पी एरिया, प्रेशर कितना है रो जी एच, और एरिया कितना है बी इंटू डी एच, मतलब उस स्ट्रिप के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होने वाला है, इतना वाला। अब हमने उस स्ट्रिप के ऊपर का फोर्स निकाला, अब हमने ये पूरे सरफेस के ऊपर का फोर्स निकालना है, ये पूरे सरफेस के ऊपर फोर्स निकालना है, तो ऐसे कई स्ट्रिप हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, बराबर। तो हमें क्या करना होगा, इस डी एफ को इंटीग्रेट करना होगा, बराबर। मतलब इसमें बहुत सारे स्ट्रिप हमें कंसिडर किए इन शॉर्ट, और सबके ऊपर डी एफ डी एफ डी एफ है, वो डी एफ हमने कलेक्ट किया, तो उसके लिए जब भी हम किसी छोटे से को कलेक्ट करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो डी एफ हमें क्या देगा, एफ, मतलब टोटल फोर्स ऑन प्लेन सरफेस, क्लियर। वो छोटे स्ट्रिप के ऊपर जो फोर्स आ रहा है उसको अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमें पूरे सरफेस का फोर्स मिल जाएगा। तो हमने उसको इंटीग्रेट किया, फोर्स सॉरी फोर्स कितना आया था, इतना उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, देखो एज इट इज़। अब इसमें रो जी कॉमन उसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, बी इंटू एच इंटू डी एच। ओके, अब बी इंटू डी एच ये क्या है, एरिया है, तो उसको मैंने डी ए लिख दिया, स्ट्रिप का एरिया है बी इंटू डी एच, तो स्ट्रिप का एरिया कितना है, डी ए, समझ में आ गया। तो एच इंटू डी ए क्या है, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट फ्री सरफेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो आपने मैकेनिक्स में किया होगा। जैसे हम ये निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास निकालते हैं, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया, टू थ्री फोर, तो सपोज फर्स्ट पॉइंट का मास है m1, दूसरे पॉइंट का मास है m2, तीसरे पॉइंट का मास है m3, चौथे पॉइंट का मास है m4। सपोज वो m1 वाला x डिस्टेंस x1 अपार्ट है, m2 वाला x2 अपार्ट है, m3 वाला x3 अपार्ट है, m4 वाला x4 अपार्ट है, तो हम क्या लिखते हैं उस केस में,
एम वन इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू प्लस एम थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस सो ऑन इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू एक्स बराबर। मतलब ये छोटे छोटे हमने अगर कलेक्ट कर लिया तो हमें मिलेगा टोटल मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंटू डिस्टेंस एक्स। ओके तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये पहले स्ट्रिप का हो गया एच इंटू डी ए, तो इसको अगर मैं बोलूँगा एच वन इंटू डी ए वन। दूसरी अगर स्ट्रिप हमने कंसिडर की उसका आएगा एच टू डी ए टू। तीसरी स्ट्रिप हमने कंसिडर की एच थ्री डी ए थ्री। ऐसे हमने इन्फाइनाइट से कंसिडर किए प्लस सो सो, तो ये कितना आएगा एच इंटू ए बराबर। हम कलेक्ट कर रहे हैं उस छोटे स्ट्रिप को, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डी ए क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सरफेस इंटू एच बार। ओके एच बार मतलब, अब ये फिर से बताता हूँ, ये छोटी स्ट्रिप है वो एच एच डिस्टेंस अपार्ट है, दूसरी लेंगे एच टू, तीसरी लेंगे एच थ्री, तो उसको अगर हमने कलेक्ट किया है तो हमें क्या मिलेगा इसका टोटल एरिया। ओके और वो एवरेज डिस्टेंस पे, एवरेज डिस्टेंस क्या रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एच बार, तो वो क्या आएगा ए इंटू एच बार। ओके तो उस ट्रिप के ऊपर फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल्स टू रो जी ए एच बार। क्लियर, ये हो गया टोटल प्रेशर। जितना एच बार और ए चेंज होगा उतना एफ चेंज होगा, क्योंकि रो और जी तो कांस्टेंट रहते हैं। ओके अब इसके बाद हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब हमें निकालना है ये पी कहाँ पर आएगा। पी कहाँ पर हमने एज्यूम किया है, फ्री सरफेस से एच स्टार पर, तो हमें एच स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम लेंगे मोमेंट की रिजल्ट, कंसिडर प्रेशर इज कैलकुलेट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, रिजल्टेंट फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन पॉइंट पी। अब इसको मैं साइड में निकालता हूँ। ओके ये फ्रंट व्यू साइड व्यू है, इसके ऊपर जो पूरा फोर्स अप्लाई होने वाला है वो कहाँ पर अप्लाई होगा, पी के ऊपर। ओके ये अपना पी है जो फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है, एच स्टार। ओके तो मतलब एफ इंटू एच स्टार, हमने एफ का मोमेंट लिया अबाउट फ्री सरफेस, तो कितना आया एफ इंटू एच स्टार। ओके और उतना ही मोमेंट जब हम पूरे स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, हमने अभी एक स्ट्रिप कंसीडर किया है उसका इंटीग्रेशन लेगा, तो उसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो इसके बराबर रहेगा। ओके तो हम जो स्ट्रिप के ऊपर फोर्स है उसका मोमेंट लेंगे। स्ट्रिप के ऊपर फोर्स कितना है अभी, रो जी एच बी डी एच, जो डी एफ है ऊपर लिखा है वो ये वाला, ये डी एफ, उसके ऊपर फोर्स कितना है वो एज इट इज हमने लिख दिया। अब ये जो फोर्स है वो कितने डिस्टेंस से, फ्री फ्री सरफेस से, फ्री सरफेस से एच डिस्टेंस पे, तो इसके ऊपर का फोर्स डी एफ कितने डिस्टेंस पे है एच, तो उसका मोमेंट क्या आएगा एफ इंटू डी एच, सॉरी एच इंटू डी एफ। ओके एच इंटू डी एफ, तो डी एफ की वैल्यू पुट कर दी। इसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं मतलब हमने सब जो अभी सिर्फ एक कंसिडर की थी स्ट्रिप, ऐसे इन्फाइनाइट स्ट्रिप अगर होंगी तो उसका कलेक्टिवली डी एफ मतलब डी एफ रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन लिया तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, उसमें से रोजी बाहर आया, क्या बचा बी इंटू डी एच इंटू एच स्क्वेयर। ओके तो डी एच इंटू बी, ये क्या है एरिया डी ए, तो उसको लिखा डी ए इंटू एच स्क्वेयर, तो हमें क्या मिला एफ इंटू एच स्टार इक्वल्स टू रो जी इंटू एच स्क्वेयर इंटू डी ए। लेकिन आपने मैकेनिक्स से पढ़ा होगा एच स्क्वेयर इंटू डी ए मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ मोमेंट डी ए इंटू एच इंटू एच, ये डी ए इंटू एच क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया बराबर। मोमेंट मतलब क्या रहता है, सपोज एरिया का मोमेंट ले रहा है तो एरिया इंटू डिस्टेंस। ओके तो डिस्टेंस एच है अपना, तो हम क्या बोल सकते हैं डी इंटू एच को, मोमेंट ऑफ एरिया, और
डी ए इंटू एच क्या है कि मोमेंट ऑफ दिस एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मोमेंट मोमेंट ऑफ सरफेस सरफेस एरिया, इसको दूसरे इसमें बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड मोमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये डिस्टेंस हम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ले रहे हैं, ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्री सरफेस। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा अबाउट फ्री सरफेस रहेगा। ओके मतलब एच स्क्वायर इंटू डी ए को हम लिख सकते हैं आई आई ओ, आई ओ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री सरफेस। तो एफ इंटू एच स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, रो जी इंटू आई ओ। तो एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, रो जी एच बार इंटू एच स्टार इक्वल्स टू रो जी आई ओ। एच स्टार को एक साइड में रखा, ये इधर आ गया, रो जी आई जीरो रो जी एच, रो जी रो जी कैंसिल, आई ओ अपॉन ए एच बार। तो एच स्टार हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आई ओ अपॉन ए एच बार, वो भी एच बार के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ गया। अब उसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल रहा है वो अबाउट फ्री सरफेस मिल रहा है। ओके लेकिन हमारे पास वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है अबाउट फ्री सरफेस। अगर आप अपने को इस डायग्राम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हम क्या कहते हैं बी डी क्यूब बाय 12, लेकिन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूले है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्री सरफेस नहीं है, तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फ्री सरफेस को एक पैरेलल लाइन निकाली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाती है, और इसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ये फ्री सरफेस, ये एक्सिस ट्रैवलिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसके बीच का डिस्टेंस है एच बार, इसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई ओ इक्वल्स टू आई जी प्लस ए एच स्क्वेयर, जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वेयर। ओके आई आई ओ की ये वैल्यू हमने पुट की, आई जी जो हम एज इट इज रखा ए एच बार, आई ओ की वैल्यू यहाँ से निकाले, आई ओ को हम लिख सकते हैं एच स्टार इंटू ए एच बार। तो ए एच बार की तरफ भेज दिया तो ये मिला। इसका डिनोमिनेटर हम सेपरेट करेंगे, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस, अब देखो इधर ए एच बार का स्क्वायर अपॉन ए एच बार, तो स्क्वायर कैंसिल, एरिया एरिया कैंसिल, यहाँ पे एच बार रहता है। तो हमें मिलेगा एच स्टार इक्वल्स टू आई जी, आई जी क्या है अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, ये देगा आपको एच बार की वैल्यू। क्लियर। तो ये आई जी अपन क्यों निकाला, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला जैसे सर्कल है पाई डी स्क्वेयर बाय 64, ये जो वैल्यू फार्मूला ये क्या है, ये कौन सा फार्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके तो इसीलिए हमने आई जी में इसको कन्वर्ट कर लिया। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज लगेगा कि जैसे कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ओके मतलब एच वन इंटू डी ए वन प्लस एच टू इंटू डी ए टू प्लस सो वन इक्वल्स टू एच इंटू डी ए, ये आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया आपने। ओके सब मिलके रिजल्टेंट जितना बनता है, तो वह ये भी आपको वैसे मिलेगा कि ये सरफेस है, यहाँ पर एक्ट हो रहा है डी एफ वन, यहाँ पर एक्ट हो रहा है डी एफ टू, यहाँ पर एक्ट हो रहा है डी एफ टू। अब हमें ये सभी फोर्स कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, पी के ऊपर, तो ये सभी फोर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा, यफ जो एक्ट हो रहा है पी पे, तो यफ इंटू पी का डिस्टेंस, पी जो है एच स्टार डिस्टेंस के, तो यफ इंटू एच बार, इस तरीके से आपको समझ के लेना है। तो ये होगा एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये अगर आपको समझ में आ गया तो जो बाकी के तीन एक्सप्रेशन है वो ऐसे ही है, उसका थीम ऐसा ही है। आपको सिर्फ याद रखना है कि आपने एक सरफेस कंसीडर किया, सरफेस में एक स्ट्रिप कंसीडर की, स्ट्रिप का आपके ऊपर आपने कितना प्रेशर फोर्स है वो निकाला, उसका आपने मोमेंट लिया, और जो सब फोर्स के मोमेंट के साथ कंपेयर किया आपको एच बार मिल गया। ओके तो
ये एग्जाम में आ सकता है कि डिराइव हाइड्रोस्टेटिक फोर्स और सेंटर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस, ओके। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसको आप ध्यान से प्रिपेयर एक बार ध्यान से देख लो और बुक में एक बार देख लो, आपको इजी जाएगा। थैंक यू।